Welcome friends, welcome to another video. In this video we'll talk about the biological classification part 2, that is the kingdom Protista. So basically in kingdom Monera all the single celled prokaryotic organisms were there, but in kingdom Protista all the single celled eukaryotes are placed into this category. Matlab ki Monera mein sabhi primitive or microbes ya primitive organisms the, but in Protista they are eukaryotes but they are single cellular. So basically if they are single cellular but they are eukaryotes, so they may contain वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जैसे कि सभी यूकैरियोटिक सेल्स में होता है कि उनमें एक बहुत ही वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स फॉर एग्जांपल लाइसोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वैक्यूल्स हैं या और भी कोई मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स है, तो वो सभी प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में. तो इनके केस में भी प्रोटिस्टा में यूकैरियोट्स हैं, इनमें भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और दूसरे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद इसके कुछ मेजर ग्रुप्स हैं जैसे कि क्लासोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, लाइमोल्स एंड प्रोटोजोआ. तो द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड बट स्टिल इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप्स. दे फॉर्म्स अ लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एटसेट्रा. मतलब कि प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में ये लिंक बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा माइक्रोब है जो कि प्लांट्स को भी सिमिलर है, कुछ उसकी वेराइटीज़, कुछ उसके कैरेक्टर्स प्लांट्स को सिमिलर मैच करते हैं, कुछ एनिमल्स में मैच करते हैं. तो बेसिकली दे फॉर्म्स लिंक बिटवीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई. और उसके बाद में हम बात करते हैं इसके मेजर ग्रुप्स के बारे में, जैसे कि क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स. तो किंगडम प्रोटिस्टा में बात करते हैं हम क्राइसोफाइट्स की. सो क्राइसोफाइट्स दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस. इसके बारे में हम पता करेंगे कि ये क्यों चीफ प्रोड्यूसर है. तो सबसे पहले बात करते हैं दे इंक्लूड डायटम्स, गोल्डन एल्गी और डेजमिड्स. ठीक है, गोल्डन एल्गी बेसिकली इसके कई एल्गी के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, बहुत अलग अलग तरीके की एल्गी पाई जाती है. तो बेसिकली क्राइसोफाइट्स दे आर ऑल्सो नोन एज गोल्डन एल्गी और डायटम्स. दे फाउंड इन फ्रेश वाटर, दे मे ऑल्सो फाउंड इन मरीन वाटर, समुद्र में खारे पानी में पाए जा सकते हैं. दे आर माइक्रोस्कोपिक, वी कैन नॉट सी देम विदाउट माइक्रोस्कोप, के बिना हम उन्हें नहीं देख सकते. उसके बाद दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट. इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल कोई एक ऑर्गेनिज्म है उसको यहाँ से यहाँ तक जाने में 380 ATPs खर्च करने पड़ते हैं. सो दिस मूवमेंट इसे हम कह सकते हैं कि एक्टिव, क्योंकि इसमें एनर्जी खर्च हो रही है. बट दे फ्लोट पैसिवली, वाटर करंट अगर इधर है यानी कि पानी की धारा इधर बह रही है तो ये इसके साथ इधर बहते चले जाएंगे, कोई एनर्जी की खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. सो दे फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट. दे आर प्लैंकटन, बेसिकली माइक्रोस्कोपिक एल्गी. दे एक्ट एज फूड पार्टिकल्स फॉर एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, फॉर एग्जाम्पल फिशेज, टर्टल्स इन्हें खा जाते हैं. दे आर फोटोसिंथेटिक इन नेचर. इसका मतलब ये है ये अपना खाना खुद बनाते हैं सनलाइट की हेल्प से. सो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशियंस. ये अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते, इसीलिए इन्हें चीफ प्रोड्यूसर्स कहते हैं. उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन और मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म, सेल वॉल. इन क्राइसोफाइट्स दे कंटेन सेल वॉल, बट द सेल वॉल प्रेजेंट इन क्राइसोफाइट्स फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग्स. उसके बाद में यही सेल वॉल एम्बेड कर जाती है सिलिका में और एक नए तरीके की, मतलब एक नया स्ट्रक्चर बना लेती है जो कि बहुत ज़्यादा इंडेस्ट्रक्टिबल है, स्ट्रॉन्ग है, टफ है, रिजिड है. जब क्राइसोफाइट्स की डेथ होती है, ये मरते हैं, तो ये जो सेल वॉल का बचा हुआ पार्ट है जो कि ख़त्म नहीं हो सकता, वो सॉइल में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है. लाखों सालों के बाद जब वो इकट्ठा हो जाता है बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, उसी को कहते हैं डायटमेशियस अर्थ. लाखों सालों के बाद जब ये बचा हुआ सेल वॉल का जो भी पार्ट था वो इकट्ठा होता गया, उसने एक चीज़ बना दी जिसे हमने कहा डायटमेशियस अर्थ और डायटमेशियस सॉइल. इसी सॉइल को हम यूज़ करते हैं पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स, फिल्ट्रेशन ऑफ सीरप्स, बहुत जगह यूज़ होता है. इट हैव ग्रेट बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस. उसके बाद अब क्राइसोफाइट्स के बाद दूसरे ग्रुप. तो किंगडम प्रोटिस्टा में बात करते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स की. दे आर मोस्टली मरीन यानी कि समुद्री में ही पाए जाएंगे. दे आर फोटोसिंथेटिक यानी कि अपना खाना खुद बनाएंगे. दे अपीयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड. ये तो सारे कलर हो गए यार, मतलब NCERT के हिसाब से जो इनमें मेन पिगमेंट होगा ये उसी कलर के नजर आएंगे. ठीक है, उसके बाद देयर सेल वॉल हैज स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स. इनमें स्टिफ सेलुलोजिक प्लेट्स होती हैं जो कि आउटर सर्फेस पे प्रेजेंट होती हैं, काफ़ी रिजिड हो जाते हैं उसकी वजह से. मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला. अब इनमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, एक लॉन्गिट्यूडनली प्रेजेंट है और एक ट्रांसवर्सली. अब कहाँ प्रेजेंट हैं, जो इनमें सेल वॉल में दो प्लेट्स हैं
उनके बीच में प्रेजेंट हैं दो फ्लैजिला, एक ट्रांसवर्सली और एक लॉन्गिट्यूडनली। उसके बाद में दे मेक द सी अपीयर रेड, रेड टाइड जिसे हम कहते हैं, समुद्र का पानी लाल दिखने लगता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज दे हैव अ ग्रेट मल्टीप्लीकेशन और रैपिड मल्टीप्लीकेशन पावर, बहुत जल्दी डिवाइड करते हैं, एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, सोलह से बत्तीस, चौंसठ, बहुत जल्दी ये डिवाइड कर जाते हैं। उसके बाद दे रिलीज पॉइजनस टॉक्सिन्स, जहर उगलते हैं, जहर रिलीज, अच्छा ठीक है, दे रिलीज पॉइजनस टॉक्सिन्स जो फिशेज को, टॉर्टोइज को किल कर सकता है, टॉर्टोइज को किल कर सकता है भाई, पॉइजनस टॉक्सिन है, किसी को भी किल कर सकता है। तो उसके बाद बात करते हैं लाइव मोल्ड्स के बारे में, दे आर सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक है तो किसी डेड डिकेइंग मतलब कि सड़ी हुई या गली हुई चीज़ में पाए जाएंगे, और पैरासाइट है तो किसी होस्ट बॉडी में पाए जाएंगे। अंडर सुटेबल कंडीशंस दे फॉर्म प्लाज्मोडियम। अब प्लाज्मोडियम की बहुत ही ज़्यादा एक ये खतरनाक पैरासाइट है, तो अगर हम प्लाज्मोडियम की बात करें तो प्लाज्मोडियम शोज हेटरोसिस्ट फॉर्मेशन, हेटरोसिस्ट फॉर्मेशन इन केस ऑफ पैरासाइट प्लाज्मोडियम, इट शोज हेटरोसिस्ट फॉर्मेशन। और ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट होता है किसी भी कंडीशंस के लिए, दे मे लिव इन एक्सट्रीम और एडवर्स कंडीशंस। एक्सट्रीम कंडीशंस में पाया जा सकता है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। उसके बाद इट मे कॉज मलेरिया। उसके बाद में प्लाज्मोडियम प्रोड्यूस स्पोर्स और इट बियर्स स्पोर्स, जो स्पोर्स हैं वो हवा के जरिए दूर दूर तक फैल सकते हैं, कई फीट तक और काफ़ी दूर तक जा सकते हैं, और ये बहुत ही हार्मफुल होता है। अब किंगडम प्रोटिस्टा में बात करते हैं प्रोटोजोआज की, दे आर हेटरोट्रॉफिक और पैरासिटिक इन नेचर। दैट मीन्स बेसिकली पैरासाइट, पैरासिटिक इट इज़ ऑल्सो कैटेगरी ऑफ हेटरोट्रॉप्स। सो बेसिकली ये अपना खाना खुद बनाते हैं, पैरासाइट्स किसी होस्ट बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होंगे जिससे अपना खाना भी लेंगे लेकिन उसको नुकसान भी पहुंचाएंगे, उसके लिए खतरा भी है, टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इसका मतलब यही है जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, दे क्रिएट और दे फॉर्म्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स और प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, देर आर फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ, दैट इज अमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोआ, प्रोटोजोआ। ठीक है, अब अमीबॉइड की बात करें, दे मे फाउंड इन फ्रेश वाटर और सी वाटर, दे कंटेन सूडोपोडिया, देयर बॉडी इज फ्लेक्सिबल, इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है, तो ये सूडोपोडिया मीन्स फॉल्स माउथ, फूड पार्टिकल को इनगल्फ करने के लिए ये सूडोपोडिया बनाते हैं, फूड पार्टिकल इनगल्फ करते हैं और वो फिर से अपना ओरिजिनल शेप में आ जाता है। एग्जाम्पल इज एंट अमीबा विच इज़ अ पैरासिटिक स्पेशीज। फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ, दे मे बी फ्री लिविंग, जैसे हमने यहाँ बात की थी कि ये पैरासाइट्स होते हैं सभी, बट ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं फ्लैजिलेटेड के केस में। ठीक है, दे हैव फ्लैजिला एंड एग्जाम्पल इज ट्राइपैनोसोमा। आफ्टर दैट सीलिएटेड प्रोटोजोआ, दे आर एक्टिवली मूविंग। वाई दे आर एक्टिवली मूविंग, वाई वी आर कॉल्ड दे आर एक्टिवली मूविंग, बिकॉज दे कंटेन है थाउजेंड्स ऑफ सीलिया, हजारों सीलिया प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी पे। अगर ये एक सीलिएटेड है, सीलिया है, तो उस पर ऐसे थाउजेंड्स, हजारों सीलिया प्रेजेंट होंगे। दे कंटेन्स गुलेट, इट इज़ अ कैविटी लाइक स्ट्रक्चर, कैविटी, इट इज़ अ कैविटी दैट ओपन्स आउटसाइड टू द सेल। एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। अब उसके बाद स्पोरोजोआ, दे इंक्लूड डाइवर्स स्पोर बियरिंग स्पीशीज, एग्जाम्पल इज मलेरियल प्लाज्मोडियम। तो फ्रेंड्स, आज हमने किंगडम प्रोटिस्टा पूरा पढ़ लिया है, इसके बाद में मैं इसके कुछ आगे की वीडियोज और बनाने वाला हूँ किंगडम्स के बारे में, जो इसके आगे के किंगडम्स बाकी हैं। और अगर आपको इस वीडियो के लिए, इस टॉपिक के लिए हैंड रिटन नोट्स चाहिए, तो आपको इस वीडियो पर कमेंट करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और इस वीडियो पर कमेंट करिए ताकि आपको हैंड रिटन नोट्स मिल सकें। थैंक यू, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।